बहुत बेताबी और इंतजार के बाद मिलने की घड़ी आई है। श्वेता वैद्य याद है ना, हमने श्वेता के घर वालों को ढेर सारे रिश्ते भेजे थे जिनमें से उन्होंने 3 चुने। कल श्वेता से मिलने आए थे सचिन देश पांडे। जोड़ी जमी? रात भर श्वेता के घर में सचिन और सचिन के घर में श्वेता की बातें चली होंगी और आपके घर में भी है ना। लेकिन रुकिए रुकिए, श्वेता के पापा ने 2 और लड़के चुने हैं और आज वो यहाँ आने वाले हैं। गौर से देखिएगा, सवाल बेटी के रिश्ते का है और आप तो जानते हैं कहीं ना कहीं कोई। कैसा लग रहा आज? बेताबी, इंतजार? इंतजार, टू मच एक्साइटेड टुडे। ओह, टू एक्साइटेड। व्हाट अबाउट यू श्वेता, कैसे लग रहा है? सेम, एक्साइटेड, क्योंकि आज तुम्हें 2 और लड़कों से मिलना है। हाँ, तुम सोच रही हो कि कह रहे मिलवाते मिलवाते मिलवा नहीं रहे, क्यों दादी जी, मिलवा दिया जाए? All right. दादी को भी जल्दी हो गई है। दादी को भी जल्दी हो गई है, वाह। लेकिन उससे पहले सुरेश जी, आप बताइए कि लड़का करता क्या है? लड़का IT इंडस्ट्री से है। IT? IIM लखनऊ। मतलब ये भी कोई कम नहीं है, क्यों दादी जी? तो श से श्वेता और श से और कौन हो सकता है अंकल? श से नहीं, स से सबर। शादी की पहली सीख, शादी निभानी है तो सब्र करना सीखिए। सब्र का फल मीठा होता है। तो दादी जी, अपनी मीठी मीठी आवाज में बता दीजिए लड़के का नाम। प्यार लिए आया शिशिर, आया शिशिर झूम के। नाम ओपन लाइक इट्स हेड। शिशिर बढ़ावकर, तुम जितनी बचपन में शांत थी ये उतने ही शरारती थे, तुम जितनी चुप हो ये उतने ही बकबक मास्टर हैं। तो देखते हैं और भी क्या सिमिलैरिटीज हैं। मैं शिशिर अरुण वड़ावकर, पूरा नाम। बचपन में मैं और मेरी बहन तो हम लोग बहुत झगड़ा करते थे। He is more attached to his mother than me. खाना बहुत अच्छा बना लेती है और मुझे अच्छा खाना काफी पसंद है। आमलेट के सिवा और कॉफी बनाने के सिवा उसे कुछ नहीं आता। जो भी चीज करेगा वो बिल्कुल दिल लगा के एकदम सिस्टमेटिकली करता है। I know him as a man of principle. दिमाग से सोचता हूँ, दिल से नहीं। तो इसीलिए कोई जनरली उसके साथ कोई मिस्टेक नहीं होती। फिर कैसा भी हो दोस्त आप नहीं है। अब कंप्लेंट कहे तो शिशिर के बारे में वो एक ही है, एक ही घर में कुछ बताता नहीं। मैं सभी लोगों के साथ बहुत बातें नहीं करता। भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है। The partner that I choose and that will be one of the criteria कि she fits into this group. मुझे तो अच्छे बहू प्यारी सी सब मैं कह सकूं, मेरे बहू इतनी सुंदर है, ऐसी है। Kitchen is not the only place for female. I definitely subscribe to that. And I'm proud of him. शिशिर अपने आप को बहुत कूल समझते हैं, पता नहीं इस वक्त उनका क्या हाल है। तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं टेंस होना चाहिए? दरवाजा खुलने के बाद समझ जाएगा कि कौन है कौन क्या नहीं है। होना है वो जब भी होगा तभी देख लेंगे। तो स्वागत करते हैं शिशिर बढ़ावकर और उसके परिवार वालों का। ये उनकी बहन केतकी, यह माता जी, यह पिताजी। नमस्ते, बैठिए। यहाँ श्वेता, श्वेता यह शिशिर, शिशिर हाय, श्वेता। एक इत्तेफाक की बात बताऊं, आप दोनों थर्ड फ्लोर पर रहते हैं। तो शायद दुनिया देखने का नजरिया एक ही हो। लेकिन अब देखते हैं कि दोनों एक ही घर में रहना चाहते हैं नहीं। तो आपकी परमिशन से क्या मैं इन दोनों को ले जा सकती हूँ अपने साथ? All right. चलो, कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। चलिए आइए बैठिए। लेडीज फर्स्ट। ओह, ऐसा मौका पहले भी आया था ना शिशिर, बता दूं कॉलेज में वो रैगिंग वाली बात। कॉलेज वाली बात मतलब अभी उस टाइम तो मुझे जो रैगिंग की गई थी तो ऐसे बताया गया था कि जो भी लड़की सामने दिखे उसको जाके प्रपोज कर दो। ओह माय गॉड, तो मुझे प्रपोज करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो कितनी लड़कियों को किया प्रपोज? अब काउंट तो छोड़ दिया, 10 के बाद तो मैंने काउंट छोड़ दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने हाँ नहीं कही। ओके, सो डोंट वरी श्वेता,
कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, सबने कहा चलो आगे। तो मुझे ये पता है कि प्रपोज कैसे नहीं करते हैं। अच्छा, तो आप लोग बात कीजिए, जो पूछना है एक दूसरे से पूछ लीजिए, मैं चलूं। ओके, हो गई। यू कैन आस्क मी द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफी पर्सनल सा है। ऐसे कहते हैं कि लड़कियां जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करती है, और वो प्यार अगर सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक है, वरना उसके बाद तो नहीं होता। तो क्या आपका, आपने पहले किसी से प्यार किया है? नहीं, अभी तक तो नहीं किया। ओके, सो दैट मुझे इसलिए मतलब मुझे थोड़ा चांस है। हसमुख चाहिए, जैसे मेहमान हमारे घर, मेरा घर ऐसा है कि हमेशा अक्सर मेहमान आते जाते हैं, तो आने वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी बहू आ गई तो हमें जरा ऑकवर्ड लग रहा है, ऐसा नहीं, बस मिलजुल कर हंस के उनसे बात करें। Then why did you prefer arranged marriage? कोई मिली नहीं इसलिए? ऐसे नहीं है, ढूंढ तो रहे हैं साथ में। अच्छा, दोनों साइड बाय साइड चल रहा है। पसंद अभी तो कोई पसंद आ जाए, लव तो ऐसा नहीं होता है कि सोच के किया जाए, लव तो बस हो जाता है। तो अरेंज मैरिज में भी अगर किसी लड़की को देख के अगर लव हो जाए तो वो भी, वो तो लव मैरिज कहलाएगा। बेटी को कुछ है ना भगवान का? हाँ हाँ, क्योंकि हमारे घर में गणपति होता है ना। पूजा नहीं करती? नहीं, पूजा का सवाल, भगवान मानती है। हाँ, पूजा का सवाल ही नहीं, हमें भी कहाँ जॉब पे जाते हैं तो टाइम मिलता है, लेकिन मानती है बेटा, इतना मेरा मानता नहीं है, लेकिन फिर मैं, वो तो मैं उसको हमेशा बोलती थी, तू भगवान को नहीं मानता है, जरूर तुझे ऐसी लड़की मिलेगी कि बिल्कुल भगवान की पूजा वीजा करने वाली। तो आपको किस तरह का लड़का पसंद आएगा? मुझे टॉल, डार्क, हैंडसम। तो आप कहीं हॉलीवुड में भी ट्राई कर रही है कि सिर्फ इधर ही बॉलीवुड में ही देख रही है? बेटा शांत स्वभाव का है। हाँ, शांत है। हुँ? बेटा शांत स्वभाव का है, अक्सर यानी कि कुछ ज्यादा ही शांत है, मुझे ऐसा लगता है। गुस्सा नहीं आता? नहीं नहीं, गुस्सा वगैरह नहीं, लेकिन ऐसा खुलकर ऐसी बातें भी तो नहीं करता है। श्वेता जो ऐसी इमोशनल लड़की, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। आपने आपके रिसर्च में बताया था कि आपको घर आने में बहुत देर हो जाती है, आपको टाइम नहीं मिलता अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो शादी के बाद आप अपनी बीवी के साथ भी ऐसे ही करेंगे? वो घर में अकेली बेचारी आपका इंतजार करती रहेगी? शादी के पहले ऐसा है कि घर पे आने का तो कोई इंसेंटिव भी नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है, घर में मम्मी है, पापा है। हाँ, पर वो जो बात अपनी बीवी के साथ हो वो तो मम्मी डैडी के साथ नहीं होती ना। तो अगर बीवी घर में आ जाएगी तो बहुत बड़ा इंसेंटिव रहेगा फिर तो। पार्शियलिटी काय चाललंय, काय चाललंय? हाँ, इथे कशाला बसला? झुल्यावर नाही बसायचं कपलने, कपलने झुले पे नहीं बैठने का। मम्मी को पता है किधर है, डैडी को पता है किधर है, तुम ओ इधर बैठने का नहीं, उठो उठो इधर नहीं बैठने का। जस्ट किडिंग, जस्ट जोकिंग। तो श्वेता जी, मैंने तो अभी तक कुछ पूछा भी नहीं है। अच्छा श्वेता, अब तुम्हें और क्वेश्चंस पूछने का मौका तो हम जरूर देंगे, अभी मौका मेरा है, मुझे भी कुछ बातें करनी है शिशिर से, तो आपकी इजाजत है? यस, ऑलराइट, सी यू लेटर, बाय बाय। आप कहाँ जा रही हैं? लड़की उठी है तो ओके ऑलराइट, गुड, लेडीज फर्स्ट। शिशिर, आप हमेशा इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप ये बोल cool dude type हैं आप, और nothing ruffles you kind of, लेकिन I'm sure एक कोई romantic person है अंदर। Romantic person हाँ है, definitely है। Right, are you dominating? Little bit. Little bit. Little bit. अच्छा, अच्छा अब ये बताओ शिशिर, तुम्हें हमारी श्वेता कैसे लगी? श्वेता, she's also very cool and confident. Definitely smart, intelligent, और I think she's वो घंटी शायद बज रही है। Okay. Too early, but right. But like initial, you feel yes, the chemistry is working. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उम्मीद करती हूँ दोबारा यही मुलाकात होगी। Thank you. All the best. Thank you. Bye. Bye. पसंद है क्या? एक मिनट, मुझे भी बातें सुननी है आप लोगों की। कैसा लगा, क्या हो रहा है? हाँ, कैसा लगा लड़का?
अच्छा है, ठीक है। ओ अच्छा है। और दिखता भी अच्छा है, जैसे श्रुति ने कहा हीरो जैसा। बाकी सब बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। लेकिन सुरेश जी, आप शिशिर के बारे में ही बातें करते रहेंगे या अजय से भी मिलवाएंगे? जरूर। उप्स। नाम निकल गया मुंह से। चलिए, जब नाम निकल ही गया मुंह से तो उसके बारे में बता भी देती हूँ। अगले लड़के का नाम है अजय जोशी। सुर का एकदम पक्का है, धुन में गाता है, तो गाकर अपनी कहानी सुनाएगा। सुनोगी? ऑलराइट। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुमरू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ये गाना है जो मेरे पर्सनालिटी को काफी क्लोजली डिस्क्राइब करता है, जो केयरफ्री नेचर है, मेरा एटीट्यूड है। अजय बचपन में शरारती किस्म का लड़का था, वैसे शांत स्वभाव का था, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था, लेकिन he was a happy go lucky person। बचपन में शायद कभी सबकॉन्शियसली मुझे ऐसा लगा होगा कि मुझे बस कंडक्टर बनना चाहिए। He is a good, very obedient boy। मैं लोगों को पकाना पसंद करता हूँ, उनका दिमाग पकाना। लेकिन वैसे मुझे पकाना ज्यादा आता नहीं, खाना पकाने में। प्रोफेशनली 10 साल के बाद मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर देखना चाहूंगा, और देख भी रहा हूँ अभी भी। जो मैं अपनी होने वाली वुड बी वाइफ या बीवी से एक्सपेक्ट करूंगा, वो चीजें हैं सिंपलिसिटी, शांत हो, ज्यादा आर्टिफिशियलिटी दिखाने की कोशिश ना करे, सबके साथ मिलजुल कर रहे, एंबिशियस हो, घर काम बराबर करे, करियर ओरिएंटेड हो, बच्चों को संभाले, ऑनेस्ट हो मेरे साथ, मेरे अजय को खुश रखे। मेरे ख्याल से एज अ पर्सन अजय इज अ वेरी गुड बॉय। आई वांट टू बी द बेस्ट इन व्हाटएवर आई डू। बचपन में अजय सुभाष चंद्र बोस और शिवाजी की तरह बहादुर बनना चाहते थे। देखते हैं आज उनकी हालत क्या है। मैं नर्वस फील नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है, पल्स भी नॉर्मल है लगता है। हाँ शायद ये दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद मैं उस लड़की से मिलूँगा, उससे बात करूँगा। तो हम अब मिलते हैं अजय जोशी और उसके परिवार से। हेलो। हेलो। नमस्कार। आई स्वाति जी। हाँ। नमस्ते। अच्छा, अभी मेन इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ये है अजय, और अजय ये है श्वेता। मिला ली पहली नज़र? शादी का मामला है, दो परिवारों के जुड़ने का सवाल है, तो जब तक परिवार वाले आपस में बात करते हैं, मैं इनकी नापसंद और पसंद जानने के लिए अपने साथ ले जा सकती हूँ? इजाज़त है? ओके, चलो। सुना आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। ओके। हमने भी सुना है थोड़ा सा। बैठिए। अजय झूला भी है, श्वेता भी है, मौका भी है, बस माहौल बनाने के लिए एक गाने की कमी है। हो जाए? हो जाए। ऑलराइट। तो कौन सा गाना गाएंगे आप? मैं उस फिल्म का गाना गा रहा हूँ, फिल्म का नाम है परिंदा। ओह। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के, ऐ मेरी जाने वफा, तुमसे मिल के। एक्सीलेंट। आपका एक खुफिया मैसेज हमें मिल गया है, एटमॉस्फेयर भी बन गया है, तो मैं आप लोग जो पूछना है पूछ लीजिए एक दूसरे से। ओके। आपको खाना बनाना आता है? कुकिंग? हाँ, बनाना तो आता है। अच्छा। आपको क्या अच्छा लगता है? आप मैक्सिकन फूड बना सकती हैं? मैक्सिकन फूड? बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, मुझे भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेरे एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जो लड़की उसे अच्छी लगी है वो मुझे अच्छी लगेगी। बात ऐसी है कि हमें दो लड़कियां हैं, हम भी चाहते हैं कि जैसे मतलब हमारी लड़की आपके घर जाए तो आपकी लड़की जैसी हो रहे। जैसे हमने जो बायोडाटा देखा उसमें है कि आपको दो लड़के हैं। दो लड़के हैं, एक डॉक्टर हैं और ये अजय बड़ा है डॉक्टर। तो उस हिसाब से हम भी चाहते हैं कि जो लड़का है वो हमारा लड़का हो। मैंने सुना है कि आप बहुत एग्रेसिव है।
हाँ एग्रेसिव हूँ मैं बहुत एग्रेसिव डू यू थिंक इट्स गुड इट्स अ गुड क्वालिटी या इट पेज ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स समटाइम्स इट बैकफायर्स बट इट्स वर्थ इट ठीक है एग्रेसिव मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं पहले से सेल्स में था और सेल्स में एग्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए फॉर गेटिंग प्रमोशंस फॉर गेटिंग गुड सेल्स लेकिन ये सिर्फ प्रोफेशनल तक ही है प्रोफेशनल एग्रेशन है एग्रेशन घर पे कोई एग्रेशन नहीं चलता है मेरा आज तक तो नहीं चला है हम संपूर्ण रूप से शाकाहारी हैं तो मेरे घर में नहीं बनता है बाहर अगर किधर जाएंगे खाएंगे तो कोई बात नहीं लेकिन अगर घर में हर रोज न मिलता हो और उसे खाने की आदत हो तो वो तो दुखी हो जाएगी ये मेरा वो मैं मेरी बहू को दुखी नहीं देखना चाहती बस और मैंने ये भी सुना है कि यू स्मोक आपने सुना है वो भी ठीक सुना है स्मोक करता हूँ मैं रेगुलरली करता हूँ स्मोक सो एनी प्लानिंग टू क्विट स्मोकिंग मैंने सुना है एक नया ड्रग इन्वेंट हो रहा है अभी जिससे स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं हमारी कंपनी नहीं बना रही है नहीं बना रही है तो ये जैसे यहाँ अजय क्या चाहते हैं कि जो उनकी जो पत्नी बने तो वो उनको बिजनेस में साथ दे या शी शुड बी सर्विंग सेपरेट उसका कोई अपना करियर होगा वो उसे संभाल सकती है कोई बात नहीं उसकी मदद करेगी तो भी ठीक है अभी दोनों का भी क्या एक विचार होता है वही देखेंगे बाद में उनको भी पूछेंगे अच्छा अब लाइफ में क्या करना चाहती है आप क्या कुछ अचीव करना चाहती है लाइफ में खुद क्या करना चाहती हैं What is your goal? Professional, goal, professional. goal. Mm-hmm. Professional goal तो अभी मम्मी डैडी थोड़े अपसेट हो रहे हैं कि बोल रहे हैं इतनी देर से तुम बातें कर रहे हो तो जरा प्लीज ज़्यादा समझाना मुझे हाँ प्लीज बाय बाय ऐसे ही मजाक कर रही थी उसे फुटाना था यहाँ से अच्छा आइडिया है अच्छा आइडिया है बहुत अच्छा क्योंकि मैं भी थोड़ी बातें करना चाहती हूँ तुमसे अरे बिंदास बिंदास ठीक है जब तुमने पहली बार शादी के बारे में सोचा तो कैसी लड़की के बारे में तुमने इमेजिन किया जैसे अभी भी इमेजिन करता हूँ एक सीधी सादी लड़की वैसे ही इमेजिन किया था अच्छा ये बताओ हमारी श्वेता कैसे लगी अभी तो ज्यादा बात नहीं हो पाई है और भी बातें होंगी लेकिन पहले जितनी बात हुई है उससे ही बताइए अच्छी लड़की है बस बस इतना सा मुझे ज्यादा एडजेक्टिव्स देने की आदत नहीं है बहुत अच्छी लड़की है सिंपल है बात करने में अच्छी है तो उम्मीद करती हूँ फिर इसी मंच पर हमारी मुलाकात होगी जरूर मैं भी उम्मीद करूंगा ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच इट्स नाइस मीटिंग यू हाँ तीनों अच्छे हैं क्या ख्याल है सचिन के बारे में क्या हमने जब बातें की तो सम ऑफ हिज व्यूज कुछ अच्छे थे हिज वैल्यूज लव फॉर फैमिली ऑल दोस थिंग्स वर गुड पुराने फिल्म्स वगैरह चाहिए लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्ट थे जो मुझे नहीं है अच्छा मतलब सचिन का मतलब लड़का अच्छा है उसको हाँ नहीं वो तो बहुत अच्छा लड़का है लेकिन कभी कभी जब मिलते हैं तो पता चलता है कि वो केमिस्ट्री नहीं है एकदम फिक्स नहीं हो रही तो आप लोगों की बातों से एक बात तो साफ नजर आ रही है मुझे कि आप सभी को ऐसे लगता है कि श्वेता की और सचिन की जोड़ी इतनी नहीं बन रही तो अब फैसला करना है शिशिर और अजय के बीच में मैं जानती हूँ ये बहुत कठिन फैसला है क्योंकि किसी की ज़िंदगी का फैसला है बहुत अहम है और बात आपके बेटी की ज़िंदगी की है तो वक्त तो आपको लगेगा ही फैसला करने में एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर आप उनके फैमिलीज़ को या उनको इस मंच के बाहर भी मिलना चाहते हैं तो आप हमें बताइएगा हम ज़रूर इंतज़ाम कर देंगे तो अब मैं आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ आप लोग डिस्कस करें और हमें फैसला ज़रूर सुनाइएगा ओके ऑल द बेस्ट Thank you. मुझे लगा था एक बार ये आमने सामने मिलेंगे तो झट से हो जाएगा फैसला पर ये तो और मुश्किल हो गया श्वेता सचिन हम सबको सचिन बहुत अच्छा लगा पर श्वेता के साथ उसकी जोड़ी बनती नजर नहीं आ रही सैड श्वेता शिशिर श्वेता एक्वेरियस है शिशिर लिब्रन मानने वाले कहते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन पर श्वेता जल्दी टेंस हो जाती है जबकि शिशिर कूल रहता है अब बचे हैं श्वेता अजय श्वेता को लड़कों में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगता है और अजय कॉन्फिडेंट है श्वेता में बहुत पेशेंस है
और अजय में बिल्कुल नहीं। फैसला जितना मुश्किल होता जा रहा है, फैसले की घड़ी उतनी ही करीब आती जा रही है। पर क्या करें, इंतजार तो शादी लव्स के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सवाल सही फैसले का है। अगली बार श्वेता के फैसले के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। अगर आपको भी अपनी जीवन साथी की तलाश है तो बायोडेटा और फोटोग्राफ के साथ हमें इस पते पर लिखें।